मामला पवई से है, जहां बीते 28 अक्टूबर को बीट जामुनडाड में एक मृत भालू पाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए वनमंडल अधिकारी पन्ना के निर्देश पर परिक्षेत्र अधिकारी रजत द्विवेदी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर के डॉग स्क्वाड टीम ने मौका स्थल पर पहुंचकर सघन निरीक्षण किया, जिसमें जले हुए GI तार के टुकड़े पाए गए तथा खूंटी लगाने के निशान मिले। मृत भालू का शव परीक्षण कराकर शवदाह कराया गया था। शनिवार को वन टीम द्वारा स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया एवं संदेह के आधार पर साकिन कुआ खेड़ा के 5 लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पन्ना से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। कल लगभग 10 बजे के 2 बजे के आसपास हमारे रेंजर साहब रायपुरा परिक्षेत्र गए, उनके पास में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर जामुनडाड बीट में एक वन्य प्राणी का शव मिला है। हमारे रेंजर साहब तुरंत मौके पर पहुंचे और पता चला कि एक स्लॉथ बियर भालू, जंगली भालू का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद में प्रिलिमिनरी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की गई और कल शाम को ही आफ्टरनून में ही हमने डॉग स्क्वाड तो नौरादेही से बुलवाया और वेटरनरी ऑफिसर PM के लिए ये हमने पन्ना टाइगर रिजर्व से बुलवाया था। डॉग स्क्वाड कल रात में ही आ गया था, बट क्योंकि रोशनी का अभाव था तो इसलिए डॉग स्क्वाड की कार्रवाई आज सुबह से प्रारंभ की गई थी। डॉग स्क्वाड की जांच के बाद में फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई, जो लगभग 10:30 से 12 के आसपास तक चली और 12:30 1 बजे के आसपास हमने अभी शवदाह करवाया है। प्रोटोकॉल